Hey, welcome into the 51st Funda of Get Supply Funda. और आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, बट पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तब आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट के मेन्यूज कुछ इस तरह के होते हैं। लेफ्ट साइड में सारी आइटम्स के नाम और राइट साइड की कॉलम पे सारी आइटम्स की प्राइस। इट लुक्स क्लीन एंड नीट, बट एक्चुअली इस तरह के मेन्यूज लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट में ऐसा मेन्यू देखते हैं तब हम डेफिनेटली ये चीज देखते हैं कि हमें कौन सी आइटम खाने में पसंद आएगी, बट राइट साइड में सारी की सारी आइटम्स की प्राइस एक साथ एक ही कॉलम में दी हुई है। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम राइट कॉलम को पहला प्रेफरेंस देते हैं कि चलो ढोसे खाने आए वो तो ठीक है, बट यू नो व्हाट, देख लो एक्सपेंसिव ढोसे कौन सा है, हमें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं खाना आज, ये 200 के ऊपर वाले निकाल दो, और ज्यादा सस्ता भी नहीं खाना, यू नो ये 70-80 वाले भी निकाल दो, बीच वाले में देखते हैं अब 120-130 तक में कौन से अच्छे डोसे हैं वो मंगाते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉलम को पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्राइस रेंज में कौन सा खाना ज्यादा अच्छा है। और ये चीज हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, हम थोड़े से पैसे सेव करेंगे, अपने बजट में खाएंगे, पर रेस्टोरेंट के लिए ये मेन्यूज इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। मैंने बहुत ही कम रेस्टोरेंट देखे हैं जहाँ पर क्लीन एंड नीट मेन्यूज नहीं होते, पर इस तरह के मेन्यूज होते हैं जिसमें आइटम्स के नाम के बाद तुरंत ही उसकी प्राइस लिखी हुई होती है। इसलिए इस तरह के मेन्यूज में हम पहले आइटम का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ उसी की प्राइस दिखती है। अगर हमें कोई डिश अच्छी लगती है फिर हम उसकी प्राइस देखते हैं कि 150 रुपए थोड़ा सा बजट के ऊपर है, पर ठीक है कोई नहीं चलो मंगा लेते हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट में हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमें खाना है, हम डिश को पहला प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे बजट में है कि नहीं। और इसी वजह से रेस्टोरेंट को भी थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर फिर भी ऐसे मेन्यूज बहुत ही कम दिखते हैं। मे बी क्योंकि उन्हें क्लीन एंड नीट ज्यादा पसंद है या फिर ये चीज उन्हें पता नहीं है। बट एनीवे, रेस्टोरेंट में आपको ऐसी प्राइस नहीं दिखती जैसे कि पनीर बटर मसाला 99, पनीर टिक्का 199, पनीर हांडी 299। नो, 9 नंबर रेस्टोरेंट में इतना फेमस नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, डेफिनेटली आपकी मार्कशीट में भी नहीं होगा, बट सुपरमार्केट, मॉल, शॉपकीपर सभी जगह पे 9 नंबर बहुत ही फेमस है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नंबर पढ़ते हैं जैसे कि 800, तब सबसे पहले हमारा ब्रेन नंबर 8 को प्रोसेस करता है क्योंकि हम रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? पर 800 की जगह पे अगर 799 दिखे तो हमें लॉजिकली पता है कि सिर्फ एक ही रुपए का डिफरेंस है यार, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को 7-8 से ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपके सोचने से पहले उसने सोच लिया कि भाई 7 छोटा है 8 से, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे 8 अच्छा नहीं लग रहा है, 7 ही अच्छा लग रहा है। और इसलिए पिछले 100 सालों से मार्केट शॉपकीपर सभी जगह पे आपको 99 वाली डील्स दिखती है। बट यू नो व्हाट, 9 इज अ फेमस नंबर बट इट्स नॉट द मोस्ट ट्रस्टेबल और ऑनेस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि आपकी फीस कितनी हुई सर, 299, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं, झापड़ मारोगे भाई क्या लगा रखा है 299 399। सो 9 इज काइंड ऑफ लाइक गुड फॉर डील्स एंड डिस्काउंट्स बट नॉट सो ऑनेस्ट नंबर, राइट? देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कुछ शॉप्स में बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई होती है, इतनी एक्सपेंसिव कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसे कोई खरीदता ही नहीं, पर फिर भी मैनेजर उसे पड़े रहने देता है। क्यों? लेट से आपके पास 2000 रुपए का बजट है शूज खरीदने के लिए और आप किसी बड़ी अच्छी वाली शॉप में जाते हो शूज खरीदने के लिए। जैसे ही आप शॉप में जाते हो आपको सारी कैटेगरी के शूज दिखते हैं, उसके साथ आपको वो मोस्ट एक्सपेंसिव वाले भी दिखते हैं, 8000 15000 20000 30000 के शूज। आपको लगता है कि 30000 के शूज कौन लेता है यार, पागल हो गया है क्या? बट यू नो वॉट, इट्स अबाउट अ नंबर साइकोलॉजी। 5 मिनट पहले आपको 2000 के शूज लेने में थोड़ा सा दर्द हो रहा था कि यार 2000 तो लेके आए हो, पर 1700-1800 में अच्छे शूज मिल जाए मजा आ जाए। बट नो, अभी मैनेजर आएगा और 200 सस्ता वाला नहीं तुझे 200 महंगा वाला दिखाएगा, और अब आपको दर्द भी नहीं होगा उतना क्योंकि अभी अभी आपने 5000 8000 12000 15000 के शूज देखे हैं। अब आपके दिमाग को लग रहा है कि क्या यार, अपन को तो सिर्फ 2000 का ही लेना है, सिर्फ 2000 का ही लेना है, पहले ये सिर्फ नहीं था, राइट? जब आप घर पे थे तब अपन तो आज 2000 का शूज लेने जा रहा है भाई, और दुकान पे जाके अपन को तो सिर्फ 2000 का ही चाहिए। वो दर्द अब गायब हो चुका है, अब मैनेजर आएगा और 1800 के शूज नहीं 2500 के शूज 2200 में देगा, इसलिए अब आपको दर्द नहीं उल्टा मजा आएगा, 300 सस्ते में मिला है भाई। इसे कहते हैं रियल हैप्पी एंडिंग।
एक ऐसा बंदा या बंदी जिसे 2000 पे करने में पेन हो रहा था, 200-300 बचाने की सोच रहा था, वो 2200 पे करके जा रहा है और वो भी 32 ही दिखाते दिखाते। इसे कहते हैं नंबर साइकोलॉजी का यूज करना। इन शॉर्ट वर्ड्स, इट्स अ ट्रिक माई फ्रेंड। नंबर्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, राइट? In 2011, Dan King of the National University of Singapore and Chris Chanishwiki of the University of Florida, इन दोनों ने मिलकर एक प्रैक्टिकल रिसर्च किया था। What was the research about? इन दोनों ने मिलकर एंटी डैंड्रफ शैम्पू की दो फेक ब्रांड्स क्रिएट की। एक शैम्पू का नाम जिंक 24 और दूसरे शैम्पू का नाम जिंक 31। पहले दोनों शैम्पू की प्राइस सेम रखकर लोगों को दिखाई और मोस्ट ऑफ द लोगों ने चूज किया जिंक 24। इसलिए रिसर्चर्स ने जिंक 24 की प्राइस 10% बढ़ा दी। फिर भी मोस्ट ऑफ द लोगों ने जिंक 24 ही चूज किया। और ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि हम नंबर 24 से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं बचपन से। रिमेम्बर बेटा, 3 × 8 कितना होता है? 24। 4 × 6 24। 6 × 4 24। 12 × 2 24। और नंबर 31 किधर आता है? नंबर 31 देखा ही नहीं उसे तो कभी बचपन से। जस्ट बिकॉज हम बचपन से नंबर 24 से ज्यादा फेमिलियर है, इसलिए उस रिसर्च में मोस्ट ऑफ द लोगों ने जिंक 24 शैम्पू चूज किया, इवन दो उसकी प्राइस 10% ज्यादा थी और शैम्पू ऑलमोस्ट सेम थे। प्रिटी वियर्ड, isn't it? हमें लगता है कि numbers are boring, but they have a huge baggage on them. ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा, पर numbers के ऊपर एक second video भी आ रहा है। Next video is also about numbers and I will do my best as I always do to make that video interesting enough and to make you smile just like you did today. So subscribe and press the bell icon. Just try me once. Give me one chance. I will prove it to you that I love you. I love you so much. Trust me. The one who is watching this video right now, I'm talking to you. Share this video with your friends and family right now. And thank you for watching. Appreciate it from all of my heart. See you in the next video. Enjoy.